शॉपिंग कर रहे हो यार? ये मैंने पहले ले लिया था, तो हम लेट हो गए थे और हम गुम भी हो गए थे। मैंने पहले ले लिया था, हम नीचे चले गए थे। उसके बाद हम सिटी पैलेस में जब वहां के वेट कर रही हूं, बोर्डिंग होती है वहां के लिए दौड़ रहे हैं ट्री अप पहुंचे। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज जहनवी एंड आई होप यू डूइंग गुड। आज है हमारा लास्ट डे इन उदयपुर। कल तक हमने घूमा काफ़ी सुंदर प्लेसेस, तो चलिए आज हम चलते हैं सिटी पैलेस और जगदीश टेम्पल, और आगे आपको ले चलते हैं अपने साथ। दिन की शुरुआत हुई भगवान का नाम लेकर जगदीश टेम्पल से। ये टेम्पल 1651 में महाराणा जगत सिंह के किंगडम में बनाया गया था। जगदीश टेम्पल इज वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चरल वंडर्स ऑफ द मेवाड़ डायनेस्टी। इस मंदिर को हिंदू आर्किटेक्चरल साइंस दैट इज वास्तुशास्त्र के तहत बनाया गया है। इट ऑल्सो शोकेसेस इंडो आर्यन आर्किटेक्चरल स्टाइल। गरुड़, अ हाफ मैन एंड हाफ ईगल, भगवान विष्णु की सुरक्षा में हाजिर रहते हैं। शॉपिंग कर रहे हो यार? ये मैंने पहले ले लिया था, तो हम लेट हो गए थे और हम गुम भी हो गए थे। मैंने पहले ले लिया था, पहुंच गए थे। उसके बाद हम सिटी पैलेस में जब बोर्डिंग होती है वहां के लिए दौड़ रहे ट्री अप पहुंचे। दौड़ने के बावजूद भी हमें कोई वो नहीं मिला है सहारा, और हम बस पहुंच गए हैं लेक के पास। अभी बहुत देर वेट करना पड़ेगा शायद, क्योंकि लाइन काफ़ी लंबी है। फिर हम जाएंगे। हाउ डू यू फील? इट्स नाइस। एंड व्हाट एल्स यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस ट्रिप? नथिंग। यू वांट समथिंग मोर एक्स्ट्रा? आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। ओके, फाइन। यू थिंक इट्स गुड? नाइस, देन यू एंजॉयिंग। नाइस। श्रुतिका, हाय। हाय नैन्सी। नैन्सी पूरा ज़ूम होते हुए। After waiting for a long time, we got our seats in the boat, and now we are going to sail towards the island palace. ये जो आप देख रहे हैं, ये है लेक पिचोला। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, और पिचोला लेक यहाँ का वन ऑफ द बिगेस्ट लेक है। सिटी पैलेस को पीछे छोड़ते हुए अब हम चले आइलैंड पैलेस की ओर। The Jagmandir Island Palace that is in the middle of the Pichola Lake. अभी हम बोटिंग करके आए हैं और यहाँ पे विजिट कर रहे हैं ऑन द आइलैंड पैलेस। इट इज़ एक्चुअली सो ब्यूटिफुल एंड सो सरीन दैट एवरीबडी विल लव द एक्सपीरियंस। सो स्टे ट्यून्ड। और मेरे साथी लोग अभी हम आए हैं जगमंदिर आइलैंड पैलेस पे, और ये सब लग रहे हैं बहुत ही सुंदर, और सभी इंजॉय कर रहे हैं ब्यूटिफुल मौसम। हाई पीपल, हेलो पीपल। Yeah, it's a vlog. Hi, Shayuri. She's from Korea. Yeah. And the other people Anya. From from different parts of India. Yeah. So yeah, this is it. Okay, so there's a restaurant also inside the palace.
and you can enjoy and have food if you are hungry while boating or something. ओह, फोटो शूट होते हुए दुल्हन बनी है हमारी दीवांशी। आइलैंड पैलेस पर भी आपको एक एग्जीबिशन देखने को मिल जाती है जो कि दीवारों पे बहुत सुंदर पेंटिंग्स और पिलर्स कार्व्ड एंड ऑल्सो वेरियस पेंटिंग्स हैव बीन केप्ट देयर। यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक एट दैट। तो अभी हम बोट का वेट कर रहे हैं टू गो बैक टू द सिटी पैलेस। हाय रजोत, कोल्ड हो गया देखो। कोई बात नहीं, हमें सिटी पैलेस में और मुझे दिखा है छोटू कैमल। ये आप देख सकते हैं इनके कान में है बहुत क्यूट सा एक छोटा सा कैमल। हाय जयशंकर, हेलो निशा, कैसी एनर्जी? अच्छा लग रहा है? सब ठीक है, बढ़िया बढ़िया। और हमारे कुछ और सहपाठी लोग जो थके हारे लग रहे हैं, एक तो बिल्कुल ढह चुके हैं, क्या बोलते हैं, मतलब हम लोग गिर चुके हैं बस। और इनका फैशन अतरंगी है, इन्होंने पहने हैं दो दो चश्मे क्योंकि हमें दिखता नहीं है। जी और जी, हम शेड लगाएं तो हमें सर में दर्द होता है। जी जी, तो आप देख रहे हैं, आप भी ऐसे कर सकते हैं अगर आपको चश्मा लगाओ तो। बहुत सुंदर दृश्य आते हुए, ये है हमारी सहपाठी जो अलग से बैठकर आई मीन खड़े होकर ले रही है नज़ारे का लुत्फ उठा रही है। तो रंजोत जी, कैसा लग रहा है आपको ट्रिप? अच्छा लग रहा है। अपने व्यूज साझा कीजिए। किसके बारे में? अबाउट द ट्रिप। अबाउट द ट्रिप, इट वाज फन, इट वाज गुड, बहुत अच्छी मेमोरीज बनाई है और सबको और ज्यादा जानने का मौका मिला है। अच्छा जी, अच्छा, तो ये अच्छी बात है। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। अभी मौजूद है हम सिटी पैलेस के अंदर। तो ये वो जगह है जहाँ पे मनोरंजन होता है और सामने आप देख सकते हैं महाराजा विराजते थे और यहाँ होता था घूमर और अनेक प्रकार के कॉन्फ्रेंस रूम में यहाँ होती थी सभी उनकी कॉन्फ्रेंस। ये है किदरम, लार्ज ब्रास का वाटर कलेक्टिंग टैंक है ये स्टोरेज, जिसमें कि पानी स्टोर किया जाता था। ये रास्ता है कि हमारी सहपाठी लोगों का सिर बदल रहे, कुछ तो घुट घुट के चल रहे हैं, शायद नहीं आ रहे, शायद ड्रेसेस है। यहाँ एक खूबसूरत दृश्य दिखते हुए रानी के पास सवारते हुए उनकी दासियाँ, अद्भुत दृश्य। जितना समय आप इसमें घूमे उतना कम है। पूरे शहर का नजारा उठाते हुए झूला। बैठते होंगे महाराजा किसी जमाने में, लग तो वैसे ही रहा है। ओ, मोती महल है ये, मोती महल। कितना सुंदर, कितना मनमोहक है ये दृश्य। यहाँ से आप नजारा ले सकते हैं खूबसूरत सी, अति प्रिय
पिचोला लेक छोटे से दरवाजे के अंदर हम जाते हुए यहाँ से भी ले सकते हैं आप दृश्य। कितने पतले पतले रास्ते बनाए जाते थे पहले। अब आप शर्मा रहे हो। आपको दिखाने जा रहे हैं वाइट सिटी, अद्भुत दृश्य फ्रॉम द सिटी पैलेस उदयपुर। हाय, सुंदर से महल में सुंदर सुंदर लोग। पिंक सिटी तो हम सभी जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं उदयपुर को व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आल्सो नोन एज व्हाइट सिटी एंड व्हाइट पीपल, दैट्स ग्रेट। अगर आप सिटी पैलेस विजिट करने का सोच रहे हैं तो पूरा दिन निकाल कर आएं, क्योंकि ये पैलेस इतना बड़ा है कि आप पूरे दिन में भी इसे आराम से घूम सकते हैं। तो चलिए आपको सिटी पैलेस की कुछ हिस्ट्री बताते हैं। सिटी पैलेस वॉज बिल्ट कॉन्करेंटली विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सिटी उदयपुर बाय महाराणा उदय सिंह टू एंड हिज सक्सेसर महाराणास। द महाराणास लिव्ड एंड एडमिनिस्टर्ड देयर किंगडम फ्रॉम दिस प्लेस। तो इसी वजह से इस पैलेस को और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है और एक हिस्टोरिक मोन्यूमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस पूरी फ्रेम में वॉर का दृश्य दिखाया गया है, कितना ब्लडशेड हुआ था, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे सब। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं वॉर में यूज्ड आर्म्स एंड एमिनेशंस। हेडिंग टुवर्ड्स महाराणा प्रताप पक्ष। So different types of rifles and guns, pistols. So here we have the House of Mewar, in which there are different princes and kings. Have a look at the weapons used during the war. Thank you.
तो ये था हमारा लास्ट डे इन उदयपुर सिटी पैलेस हमने देखा और अब वक्त था वापस जाने का हमारी ट्रेन की ओर तो चलिए चलते हैं। आखिरी रात इन ट्रेन हम चल दिए उदयपुर से दिल्ली की ओर। तो बस इतनी सी थी हमारी उदयपुर सीरीज। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। And that's all for today. Thanks for watching.